दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक क्रेडिट कार्ड के बारे में लेके आया हूँ जिसका अब मैं बात करूँ कि वो बिल्कुल फ्री होने वाला है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और उस कंपनी का नाम है IDFC यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ये आपको अभी जल्द ही निकला है दोस्तों, लेकिन ये बहुत चर्चे में इस वजह से है कि दूसरे कंपनियों के मुकाबले में इस पर रजिस्टर करना बहुत आसान है। अगर इसके अप्लाई करने की बात करें, यानी जो आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपके आधार कार्ड पर जिस तरह नेम है उस तरह आप अपना नेम डालेंगे, बगल में देख सकते हैं, और अपने आधार कार्ड के मुताबिक जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे है वही डेट ऑफ बर्थ डी वो भी आप यहाँ पर डालेंगे। और डालने के बाद आपको दूसरी चीज़ की बात करें तो आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर ऐसा जो मतलब एक्टिवेट हो, चालू हो, उस पर एक OTP आता है और उस OTP पर OTP डालेंगे, उस पर फिल करेंगे और इस तरह से अपना रजिस्टर कंप्लीट कर लेंगे। और अगर बात करें हम कि हमें IDFC क्रेडिट कार्ड ही हमारे बेटर क्यों है, यानी कि हम क्यों इसको पसंद करें, तो इसके पसंद करने के कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कुछ कारण, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि IDFC की क्या अच्छाई है, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके हमें आपके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर बात करें दूसरे कंपनियों के मुकाबले में, तो अगर आपका कोई दूसरा कंपनी है जैसे कि और भी सारे फ्री में बहुत सारे मिलते हैं, जैसे आप अगर आप कहेंगे कि और भी सारे चीज़ों में मिलता है सर, तो मैं आपको नहीं कहता कि इस कंपनी में आपका जो मेन प्रॉफिट है, जैसे अगर दूसरी कंपनी से बात करें तो अगर आप किसी दूसरे कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ICICI या इसी तरह और भी कंपनी का, उस क्रेडिट कार्ड को लेने पर आपको जो है महीने में जो लिमिट है, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद आपको जो है 28% यानी कि 28% ब्याज लगते हैं। लेकिन अगर आप इसका जो है IDFC का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको अगर साल का लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यानी कि आपको 9% से जो है ये आपसे लेता है। इसकी सबसे बेस्ट खासियत है दोस्तों। और अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, तो अगर आप ऑफलाइन ख़रीदारी करते हैं या ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, आप किसी भी तरह की ख़रीदारी करते हैं, तो आपको अगर ऑफलाइन करते हैं तो आपको 3% ऑफलाइन ख़रीदारी करते हैं या किराया, बस में टिकट या कहीं टिकट के लिए यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड को या और चीज़ों के लिए, तो आपको 3% ऑफलाइन चीज़ों के लिए। और इसी तरह से ये बता रहा हूँ आपको उससे बेस्ट किस लिए, ये तो दो तीन सारी चीज़ें हो गई। और भी बेस्ट इसलिए से है अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना जैसे किसी मॉल में या और कोई जगह पे, तो आपको जो है दोस्तों ऑनलाइन करते हैं तो 3% है, आप बगल में देख लें। और अगर जो है आप जो ऑनलाइन करते हैं तो आपको 6% यानी कि उसका डबल 6% है। अगर बात करें इसका चौथा बेनिफिट्स के, तो आप लाइफ टाइम यानी कि ज़िंदगी भर आपको इसका कोई भी फीस नहीं देनी होती, आपके लिए फ्री है। और अगर बात करें पाँचवें की, तो पाँचवा जो है दोस्तों, अगर आप साल में या महीने में हर मंथ आप मूवीज़ टिकट या मूवीज़ बुक करते हैं, तो आपको उस पर जो है 25% से लेकर के 50% तक यानी 25 से लेकर के 50% तक आपके लिए डिस्काउंट रहता है इस पे। इसी तरह से दोस्तों और भी इसके जो सारे बेनिफिट्स मैं आपको बता दूँ, इसका और बेनिफिट्स ये है कि अगर आप जो है कहीं रेस्टोरेंट में आते हैं, खाना खाने के लिए होटल में आते हैं, तो इस IDFC क्रेडिट कार्ड के 1500 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिसमें आप जाएंगे खाना खाने के लिए या इसी तरह कोई भी और चीज़ करने के लिए रेस्टोरेंट में, तो आपका जो है इसमें 20% यानी कि 20% आपको उसमें जो है छूट दिया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों ये आपका होटल में खाना खाने के लिए हो गया। इसी तरह अगर आप जो है 3 महीने के अंदर 15,000 से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या इसी तरह से आप यूज़ कर लेते हैं, शॉपिंग करते हैं किराए के किसी तरह से भी आप 15,000 अगर आप यूज़ करते हैं, 15,000 यूज़ करने के बाद 3 महीने के बाद आपको 15,000 खर्च करने पे, सामान लेने पे आपको जो है ये कार्ड आपको 500 रुपये वाउचर, गिफ्ट वाउचर के शक्ल में देता है। और एक बात और इसके साथ ही जो मैं बता दूँ कि इसके वाउचर कभी भी जो है एक्सपायर नहीं होते, सबसे मतलब मेन पॉइंट ये है, इसके जो भी वाउचर्स आपको मिलते हैं, गिफ्ट्स आपको रिवार्ड मिलता है, ये रिवार्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होता, इसके सबसे मेन पॉइंट और सबसे मेन खसूसियत यही है। और अगर बात करें आठवें पॉइंट की, तो आठवां कारण इस कार्ड को यूज़ करने के जो है दोस्तों, अगर आपने जो दोस्तों आठवें की बात करें, अगर आपने इस पर बीमा कराया है और क्रेडिट कार्ड बनवाया है, बीमा कराने के बाद आपको 10 लाख रुपये का ये देता है, आपका एक्सीडेंट होने पर या कोई दुर्घटना होने पर आपको 10 लाख रुपये तक आपको इस पर जो है मिल जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका पिछले महीने में कोई लेन देन हुआ हो, आपका कम से कम जो है एक लेन देन होना चाहिए पिछले मंथ, अगर उसके बीच में आपका जो है कोई हादसा या दुर्घटना होता है तो आपको 10 लाख रुपये कंपनी देती है। इसी तरह अगर आप इसकी EMI
यानी कोई चीज़ सामान लेते हैं और लेने के बाद उसको जो है 90 दिन के अंदर आप वो EMI भरते हैं यानी वापस करने जाते हैं, और वो EMI आपका जो है 1000 से कम का होता है, यानी 1000 से कम का नहीं है तो ज़्यादा होता है, 1000 से ज़्यादा ही आपका EMI है आप उसको भरते हैं, तो इस पर ये कार्ड्स जो है आपको 5% यानी कि 5% का आपको जो डिस्काउंट देता है, छूट देता है, और आपको वाउचर गिफ्ट भी देता है। इसके बहुत सारे 10 कारण जो हमने बताया दोस्तों, आपको लगभग तकरीबन आपको हमने 10 कारण बता दिए किस कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, बाकी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं और भी वीडियोज़ बना दूंगा दूसरे कार्ड के ऊपर। बाकी चलिए दोस्तों, मैं आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आपको ये कार्ड मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियोस को फटाफट शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने मोबाइल में कोई भी एक क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे, देखिए हमने गूगल खोला, आप टाइप करेंगे यहाँ पे IDFC, इस तरह से आप टाइप करेंगे तो आप नीचे देख लेंगे, आप इस तरह से आपके सामने खुल करके आ जाएगा, आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से थोड़ा सा वेटिंग लेकर के देखिए आपके सामने ये पेज खुल रहा है। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे पहले इसका देख लीजिए इस तरह से मैं फीचर्स जो भी हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप पूरा देखिए बहुत तरह से क्रेडिट कार्ड हैं, आप यहाँ पे सब देख लेंगे, हमें जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है ये ऊपर वाला है इस तरह से। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए लाइफ टाइम फ्री का बता रहे हैं, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, आपको एक भी रुपये नहीं देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसके फीचर्स भी पढ़ सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम हो, आप अपना वो आधार कार्ड वाला नाम यहाँ पर लिखेंगे अपने आधार कार्ड का सेम टू सेम, और यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, और उसके नीचे आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक मोबाइल नंबर की, जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे और उसे गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। यहाँ गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमने क्लिक किया, हमने पूरा भर दिया अपना, और क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, हम OTP यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नीचे एक डिब्बा देखिए, आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, और OTP डालने के बाद इस तरह इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर इसको पढ़ेंगे पूरा, आई एग्री, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब OTP आप यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद देखिए हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है, OTP डाल के यहाँ पे आगे सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप आगे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखिए खुल करके आएगा पेज, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, और यहाँ पे जेंडर चूज़ करना है कौन सा जेंडर है, और यहाँ पे अपना जो है पूरा फुल एड्रेस डालेंगे, तो मतलब आपका एड्रेस जहाँ पर आपका ATM कार्ड जाएगा, और यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। आप ये सिंपली प्रोसेस अपनाएंगे, और डालने के बाद आपको जो है क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे आप डालेंगे तो देखिए हमने डाल के क्लिक किया आगे, तो हमारे यहाँ पे दे रहा है देखिए सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस, आप यहाँ से इस तरह से देखिए सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस, और नीचे रीजन बता रहा है योर पिन कोड इज़ नॉट सर्विस एबल, यानी हमारे पिन कोड पर जो है अभी ये सर्विस चालू नहीं हुआ, सर्विस एबल नहीं हुआ है, अभी कुछ ही स्टेट में है, या ये जो है अभी पूरा तरीके से नहीं फैला हुआ है। तो आप जो अपने स्टेट का ज़रूर देखें कि आपके स्टेट में ये है कि नहीं हम आपके पिन कोड पर, तो हमारे पिन कोड के जिस पे नहीं है दोस्तों, देखिए लगा ये पिन कोड इज़ नॉट सर्विसेबल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, कोई दिक्कत आपका